डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स पूंछ में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। पीएनआई के लिए पूंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। बताना लोगों को, वो बहुत जरूरी है। तो ड्रग्स जैसे चरस, हीम, गांजा, अलग अलग तरीके उसको इस्तेमाल करने के हैं, और आजकल इस वक्त जो है खासकर सब कॉन्टिनेंट में आप देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उन पे ये ज्यादा इफेक्ट करवाना है। तो मैं मजीद खान साहब हमारे एडवोकेट हैं, कोशिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार, जो चीजें वो शेयर करता है उससे। लेकिन ये ड्रग अब्यूज के हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि काफी जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इन चीजों को डील कर रहे हैं या जो और भी एजेंसी इस काम में लगी हुई है, उनसे हमारी बात होती रहती है। तो उनका यही कहना है कि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारी सोसाइटी में है कि जितनी पहले एजुकेशन जो सेटअप था उसमें सबसे जो कंपलसरी ये चीज थी कि हमारे जितने भी जो टीचर्स थे वो मॉरल एजुकेशन पर जोर देते थे। क्योंकि पिछले दिनों में मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कोई कोचिंग सेंटर था तो वहां पर मॉरल एजुकेशन के रिलेटेड वहां पर उन्होंने एक प्रोग्राम किया, तो वो उनको ये लेक्चर दे रही थी। ये नहीं कि उनको अपना जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड वो उनको कुछ कह रहे थे, वो उनके मॉरल एजुकेशन पर लेक्चर दे रहे थे कि आप यहां पर आए हो, दूर दराज से आए हो, बस अपना ये मोटो रखो कि आप किसी लत जो है ये जो ड्रग अब्यूज की ये आपको ना पड़े या किसी गर्ल्स सोसाइटी में ना पड़े आप, और आपके पेरेंट्स जो है वो बहुत मेहनत करते हैं और आपको इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया है, आप नहीं जानते कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन वो ये चीज जाहिर नहीं करते हैं। ये हमारी सोसाइटी भी बेइज्जती हो जाएगी भाई। आज छुपा रहे हो, आप क्या अगर चाहते हो कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी सोसाइटी में, कल आपके बच्चे की जान जा सकती है। बैठे हुए हैं आप सभी लोग जानते हैं कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो शरीर तो खाती है, इंसान का घर भी तबाह और बर्बाद करती है। अब हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इन चीजों में मुलव्वस हो रहे हैं। वो किस वजह से मुलव्वस हो रहे हैं? क्योंकि माँ बाप को काम से फुर्सत नहीं मिलती है और बच्चों पर निगरानी कम रहती है, जिस वजह से ये बच्चे कुछ गलत अनासर के हाथों में आ जाते हैं और लालच की वजह से शौक शौक से क्या कहते हैं दवाई खाना शुरू कर देते हैं, और ये दवाई का ऐसा असर होता है कि ये माँ बाप तो महरूम होते ही होते हैं, समाज भी एक अच्छा कैरी जो है वो खो जाती है। अगर अच्छे समाज और अच्छे कैरी की बुनियाद रखनी है तो माँ बाप की जो फर्ज है उसको पढ़ाना लिखाना, अच्छे कपड़े देना, तालीम अच्छी देना, उसके जो भी जिंदगी की जरूरियात हैं उनको पूरा करना। उसके बदले में जब वो अच्छा शहरी बन जाता है तो वो अपने माँ बाप की अच्छी खिदमत करता है और अच्छा शहरी होने का सबूत भी देता है, और जहाँ भी कल को वो अच्छा मकान बनाएगा उनके माँ बाप की इज्जत तो होगी होगी, और साथ में जो मोहल्ले के लोग होंगे उनकी भी इज्जत तो होगी कि हमारे मोहल्ले का अच्छा असर कहीं बैठा हुआ है। उम्मीद है कि ये लोग अपने घरों तक मैसेज तो ले ही जाएंगे, ये दवाई से दूर रहना है, और लोगों को जो आस पड़ोस में रहते हैं उनको भी समझाना है कि इन चीजों से दूर रहिए। जब भी कोई इंसान पिछले अरसे में ड्रग अब्यूज डे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मनाया गया, तो उस वक्त हमने और हमारे पीएलवीज ने जो है डिफरेंट लोकेशंस पे COVID-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको ऑब्जर्व करते हुए डिफरेंट लोकेशन में गांव में लोगों को अवेयर किया कि ये मंशियात जो है ड्रग अब्यूज जो है कितनी बुरी बीमारी है, जो ना सिर्फ ये कि एक घर को एक समाज को फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर कर देती है बल्कि एक हमारी जनरेशन जो है उसको ये उसको ज़ाया कर रही है। उसी के सिलसिले में आज हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पूंछ में जो है एक प्रोग्राम किया जिसमें हमारे वकला हजरात और जो यहाँ लोग आए थे चांदे, क्योंकि आजकल COVID-19 की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोर्ट कम्प्लेक्स में बहुत कम लोग आते हैं, तो हमने इसको मुनासिब समझा कि एक प्रोग्राम किया जाए। तो इसी सिलसिले में प्रोग्राम था कि हम और इसके जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो वालदेन हैं,
या जो बड़े भाई हैं बहन हैं समाज का कोई भी शख्स जो है वो इन लोगों को हकारत की निगाह से ना देखें जो इस बीमारी के अंदर किसी वजह से आ जाते हैं इस नशे के अंदर, बल्कि उनकी मदद करे, उन पर रहम खाए और उनको अच्छी जो है वो गाइड करे, नसीहत करे और उसका सही ट्रीटमेंट करवाए। आज जो है वो डी एडिक्शन सेल्स जो हैं, सेंटर्स जो हैं, वो हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, जम्मू में भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, तो अच्छी काउंसलिंग से जो है इन बच्चों को इस वबा से दूर रखा जा सकता है। तो ये हमारा आज का पैगाम था। थैंक यू।